सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 12 पे मिलने वाले एक कमाल के डिस्काउंट के बारे में, जो कि दोस्तों सीधा सीधा कंपनी की तरफ से दिया गया है। इस डिस्काउंट में ना ही कोई एक्सचेंज ऑफर है, ना ही कोई बैंक ऑफर है, क्योंकि दोस्तों ये डिस्काउंट सीधा सीधा आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। और ये क्यों दिया गया ये शायद आप जानते भी होंगे, क्योंकि इनकी लेटेस्ट iPhone 14 सीरीज कुछ दिन में ही आने वाली है। इसके मुताबिक यानी कि पुराने फ़ोन iPhone अपने सस्ते करेगा ही करेगा, तो अब आपके iPhone 12 पे एक कमाल का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस फ्लैगशिप iPhone 12 के फीचर्स की बात करें तो दोस्तों ये फोन 6.1 इंच की एक सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले के मामले में कमाल है iPhone 12। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में बैक पे है 12-12 मेगापिक्सल के दो सेंसर, 12 का ही मेन है और 12 का ही अल्ट्रा वाइड लेंस है। इस फोन से आप 4K तक की वीडियो को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, वो भी 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं दोस्तों ये 14 बायोनिक चिप इसके अंदर देखने को मिलती है। याद रही एक 5G प्रोसेसर है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि 11 5G है नहीं है, 12 5G है नहीं है। याद रहे 11 एक 4G है, यानी कि आईफोन 11 4G फोन था और आईफोन 12 5G शुरू हो गया। इसके बाद सारी फोन आईफोन 5G देने लग गया है। उसी के साथ दोस्तों बात करें अब इस स्मार्टफोन के ऑफर की। ऑफर दोस्तों कुछ यूं है कि जब iPhone 12 यानी कि 64GB वेरिएंट लॉन्च हुआ था तो उसकी कीमत 65,900 रुपये रखी गई थी, लेकिन दोस्तों आज इस स्मार्टफोन की कीमत आपको Amazon के ऊपर देखने को मिल रही होगी 52,999 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल का डिस्काउंट आपको बिना किसी एक्सचेंज ऑफर और बिना किसी बैंक ऑफर के देखने को मिलता है। अगर आप एक्सचेंज ऑफर यूज़ करना चाहते हैं तो Amazon पे इस टाइम देखने को तो मिल रहा है वो 10,950 रुपये की एक मैक्सिमम एक्सचेंज वैल्यू चल रही है, उसको यूज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बैंक ऑफर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर यूज़ करने के बाद 42,049 रुपये तक का आपका ये फ़ोन हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एक्सचेंज वैल्यू मिलने पर, जो कि मुश्किल ही मिलती है, लेकिन हाँ आईफोन पे मिल सकती है क्योंकि पहले से इतने महंगे हैं तो इतनी तो देनी इनकी बनती है। पुरानी अगर पूरी भी अगर आपको एक्सचेंज वैल्यू नहीं भी मिलती, आप सोचिए अगर आप पुराना फ़ोन दे के भी आईफोन 12 को ले लेते हैं जो कि कमाल का फ़ोन है, तो आप लगा लीजिए 5,000 रुपये तो आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि फ़ोन चालू कंडीशन में होना चाहिए। बस इतनी ही ज़रूरत है कि आपका फ़ोन चालू होना चाहिए और ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए। 5,000 एक्सचेंज वैल्यू मिलने के बाद भी आपका ये अच्छा खासा फ़ोन देखने को मिल जाएगा 47,000 के लगभग में। यानी कि दोस्तों आईफोन 12 जो 65,900 रुपये में आपको पहले देखने को मिल रहा था, अब आपको देखने को मिलेगा 47,999 रुपये में। कम कीमत में अच्छा iPhone 12 आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों याद रहे iPhone 12 सीरीज जो थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही थी iPhone 13 से भी ज़्यादा पॉपुलर रही थी iPhone 12 सीरीज। 5G है, iPhone है और आपको क्या ही चाहिए। 14 तो आप वैसे भी परचेज नहीं करेंगे अगर आप सस्ते में कोई iPhone ढूंढ रहे हैं। सस्ते में लेना है तो iPhone 12 इस टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास सस्ते में लेने की, क्योंकि अब नए नए ऑफर आने भी वाले हों। अगर आपको ये फ़ोन नहीं लेना है तो आप रुक भी सकते हैं, नए ऑफर जब भी आएंगे तो इस चैनल पे तो आपको वीडियो देखने को मिली जाएगी उस ऑफर के बारे में भी। उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आज की वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।